हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चैंपियंस डिफेंस एकेडमी देहरादून। वी आर इंडियाज बेस्ट एंड लीडिंग एकेडमी फॉर आरएमसी, आरएमएस एंड सैनिक स्कूल्स प्रिपरेशंस। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूँ। दिस इज अ पेन, द सन इज हॉट, दैट इज एन एलिफेंट, आई लाइक द टी ऑफ आसाम। सो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने हर सेंटेंस में या तो ए, एन और या फिर दी का यूज़ करा है। द यूज़ ऑफ ए, एन एंड दी, इसी को ही हम आर्टिकल्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और जो दी है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। सो हर आर्टिकल का अपना एक मीनिंग होता है। लाइक ए है वो स्टैंड करता है एक के लिए, एन स्टैंड करता है कोई के लिए, बट जो दी है उसका अपना कोई एक मीनिंग नहीं होता। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन को डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट यानी निश्चित और अनिश्चित बनाने में हेल्प करते हैं। यूजेज ऑफ ए और एन, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुने। अ बॉय लाइक्स अ टॉय, अ हंटर किल्ड अ टाइगर, अ काउ हैज़ अ टेल, एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री। मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल्स के 3 रूल्स बता रही हूँ। ए और एन का यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ टॉय, अ काउ, अ टेल, अ हंटर, अ टाइगर, एन ऑरेंज, अ ट्री, एट्सेट्रा, जैसा कि हमने यूज़ करा है गिवन सेंटेंसेज में। सेकेंड रूल रहेगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कॉन्सोनेंट्स, एग्जाम्पल के लिए बी, सी, डी, एफ, जी से शुरू हो तो उसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे, जैसे हमने ऊपर कर रखा है। और थर्ड रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वॉवल से शुरू हो रहे हो तो उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, जैसे हमने एन ऑरेंज के साथ यूज़ करा था। यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशंस कर रही हूँ जिनको आप ध्यान से सुने। अ हीरो, अ हेलीकॉप्टर, अ होटेल, अ हिल, अ हस्बैंड, अ हिस्टोरिकल इवेंट, अ हम्बल मैन। कुछ और प्रोनाउंसिएशन हैं, उनको ध्यान से सुने। एन आर, एन एयर, एन एयरेस, एन ऑनर, एन ऑनरेरियम, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेरी जॉब। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को लेकर के ध्यान देना। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और उस एच का आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसके पहले आप ए का यूज़ करेंगे, और अगर जहाँ पर आपने एच का यूज़ तो करा है लेकिन आप उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे। यानी कि जहाँ पर आपको एच लिखा हुआ है और आप उसे बोल भी रहे हो वहाँ आप ए का यूज़ करोगे। जहाँ एच लिखा हुआ है लेकिन उसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे। हियर आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, प्लीज़ लिसन प्रॉपरली। अ यूनियन, अ यू, अ ईयर, अ येल, अ यार्ड, अ यूलॉजी, अ यूरोपियन, अ यूथ, अ यंग मैन, अ येलो पेन, अ यूनिक थिंग, अ वन लेग्ड मैन, अ वन वे टिकट। अब ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं या तो ये प्रोनाउंसिएशन इनका होता है यू, य, या, ही, लेकिन होते ये वा या तो यू से हैं या ई से हैं या वाई से शुरू होते हैं या फिर ओ से भी होते हैं, तो इन सब के आगे ए का ही हम लोग यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उनको ध्यान से सुने। ही इज़ एन एमएससी, इट इज़ एन आरटीसी बस, ही लॉज्ड एनएफआईआर, मिस्टर कुमार इज एन एसडीओ। यहाँ पर अब आप ध्यान देना कि एमएससी, आरटीसी, एफआईआर, एसडीओ लिखने में तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं लेकिन इनकी जो साउंड वो होती है वो वॉवल्स की साउंड आती है, जैसे एम, आर, एफ, एस, तो ये सुनने में जो हैं सारे के सारे वॉवल्स लगते हैं, तो इसलिए इनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब आप एक चीज़ को ध्यान देना कि ए और एन का यूज़ जो है रिटन फॉर्म नहीं बल्कि स्पोकन फॉर्म को इम्पॉर्टेंट समझ करके यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल्स दिए। आर्टिकल के यूज़ में कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती हैं।
जैसे कि अगर नाउन प्लूरल नंबर में हो तो आप ए एन का यूज़ नहीं करते हैं. एग्जांपल्स के लिए, दीज आर काउस, हॉर्सेज आर एनिमल्स, एप्पल्स आर स्वीट. तो इनके आगे हम ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आर्टिकल्स, अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल हो तो ए और एन का यूज़ आप नहीं करेंगे. एग्जांपल्स हैं जैसे दिस इज़ अ मिल्क, दिस इज़ मोहन, एयर इज़ फ्रेश. तो ये सारे नाउन जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ हम ए और एन का आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल्स में रिटन फॉर्म से ज़्यादा स्पोकन फॉर्म इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये कैसे पता करें कि वो वोवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट्स हैं? इसे जानने के लिए एक बहुत सिंपल और ईजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ. हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन तो सुने ही होंगे. स्वर होते हैं अ आ ई ई, उनके आगे हम एन का यूज़ करेंगे, और जो व्यंजन होते हैं यानी क ख ग, जो उससे शुरू होने वाले वर्ड्स हैं उनके आगे हम ए का यूज़ करेंगे. अब बारी आती है दी की. अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए और एन का हम लोग यूज़ करते हैं. अभी तक हमने ये पढ़ा था. अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार में आता है तो उसके पहले हम दी का यूज़ करेंगे. कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ आपको, जैसे उनको देख करें और समझें. एग्जांपल्स हैं, आई बॉट अ बुक, द बुक इज़ कॉस्टली, ही हैज़ अ पेन, द पेन इज़ न्यू, दिस इज़ एन एप्पल, द एप्पल इज़ स्वीट. तो इस चीज़ को देखें और समझें बहुत अच्छे से. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, जिससे कि पूरी स्पीशीज़ यानी जाति का पता चलता हो, उसके पहले हम ए एन या दी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. इससे सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं आता है. कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, दी काउ इज़ जेंटल, अ काउ इज़ जेंटल, सेम है, द लगाएं या ए लगाएं. दी स्नेक इज़ फेयरफुल या फिर अ स्नेक इज़ फेयरफुल. आगे बढ़ते हैं. सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी का ही यूज़ करना है. जैसे अनु इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, मिस्टर सेन इज़ द वाइजेस्ट पर्सन इन द एरिया, नेहा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, सचिन इज़ द फास्टेस्ट बॉलर इन द टीम. जब एडजेक्टिव का यूज़ नाउन की तरह हो तब उसके पहले भी हम दी का ही यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स के लिए, The rich should help the poor. There is a school for the blind in the city. These old should be respected. The needy should be helped. The educated should teach the uneducated. अब दी का यूज़ इनके अलावा और किस किस चीज़ के साथ होता है? साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ हम दी का यूज़ करेंगे. और लाइक The television is a gift of science. और parts of body के साथ हम दी का use करेंगे. He hit me in the face. और musical instruments के साथ हम दी का use करेंगे. I know how to play the guitar. अब दी हम किस किस के साथ use कर सकते हैं? बहुत simple और easy examples मैं आपको बता रही हूँ. जितने भी religious groups होते हैं like the Hindus, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, इनके साथ हम दी का ही यूज़ करेंगे. फिर जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, महान ग्रंथ जो होते हैं लाइक वेदास, द रामायणास, द बाइबल, द कुरान, द गीता, द महाभारता, द पैराडाइज लॉस्ट, इन सब के साथ हम दी का ही यूज़ करेंगे. किसी भी न्यूज़पेपर के साथ हम दी का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, दी दैनिक जागरण, दी पंजाब केसरी एटसेट्राज. अदर्स हम मैगजीन्स के साथ भी ही दी का ही यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल के लिए लाइक दी आउटलुक, दी ब्रिज एटसेट्रा. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी हम दी का ही यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स हैं दी भारतीय जनता पार्टी, दी कांग्रेस, दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. इस तरीके से जितनी भी पार्टीज़ होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ भी हम दी का ही यूज़ करेंगे. तो जितने भी क्लब्स और कमेटीज़ होंगी उनके साथ भी हम दी का यूज़ करेंगे. लाइक दी रोटरी क्लब, दी मिनर्वा क्लब, दी फोर्ड फाउंडेशन क्लब एट्सेट्रा. जितनी भी रिवर्स और कैनल्स हैं इनके साथ हम दी का यूज़ करेंगे. एग्जांपल्स देखें, दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्र, दी नर्मदा, दी पनामा कैनल, दी शारदा कैनल. इस तरह से हम लोग रिवर्स और कैनल्स के साथ भी दी का यूज़ करेंगे. जितने भी सीज हैं, सागर,
महासागर, ओशियंस हैं, इन सब के साथ हम दी का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स हैं लाइक द रेड सी, द अटलांटिक ओशियन, द साउदर्न सी, द पैसिफिक ओशियंस, अरेबियन सी, द इंडियन ओशियंस. इसके अलावा दी का यूज़ हम गल्फ्स हो गए आपके, जिसे हम खाड़ी बोलते हैं, एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज़ के साथ, शिप्स यानी जो पानी के जहाज होते हैं उनके साथ, ट्रेन्स के साथ, उनके साथ हम दी का यूज़ करेंगे. इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं, इनके साथ, या फिर डेजर्ट्स हो गए जिसको मरुभूमि भी बोलते हैं, उनके साथ हम दी का यूज़ करेंगे. इसके अलावा हम दी का उन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जो कि वर्ल्ड में एक ही होते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए देखें, द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द स्काई, द वर्ल्ड एक्सेट्रा. इसके अलावा जो नेशनैलिटी से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको भी हम दी के साथ यूज़ करेंगे, लाइक द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द पाकिस्तानीज, द एशियंस, द फ्रेंच एक्सेट्रा. माउंटेन रेंज हो गई या फिर जो हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, इनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं. अब हमने आर्टिकल्स का यूज़ किस किस के साथ नहीं करना है. आर्टिकल्स का यूज़ हमने प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करना होता है. किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. किसी भी दिन या फिर महीने के नाम के साथ हम नहीं यूज़ करेंगे. कुछ स्पेसिफिक बीमारियों को छोड़ करके बाकी किसी भी बीमारी के नाम या डिजीज़ के नाम के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं. किसी भी फेस्टिवल के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. बट हाँ, सीजन्स के साथ हम कुछ सीजन्स को छोड़ करके उनके साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, दी का यूज़ करेंगे, लाइक द विंटर, द रेनी सीजन, द समर सीजन, इनके साथ हम दी का यूज़ करेंगे. किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. तो ये सब तो वो चीज़ें हैं जिनके साथ हमने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है. तो होप्स हो कि आज का आपको टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपको और ज़्यादा प्रोवाइड करते रह सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.